हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैग। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर आप किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी को ना देखे, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर किसी को भी हाइड कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने इंस्टाग्राम में हमें लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रोफाइल मैंने खोल रखी है यहाँ पे, तो आपको ये नीचे इस वाले आइकन पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम के इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, होम पेज यहाँ पर होता है जो इंस्टाग्राम ओपन करने पर खुलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये प्लस का आइकन दिखाई देगा, आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये स्टोरी का ऑप्शन मिलेगा थर्ड नंबर पे, आपको इस स्टोरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की बैक साइड आपको दिखाई दे रही है, कैमरा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर चाहें तो कोई फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो ये फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। हम चाहें तो उस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में ये गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप गैलरी से कोई भी इमेज यहाँ पे, जैसे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको सिखाने के लिए बताया ये मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देंगे और बैक आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऊपर ये लेफ़्ट में ये सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्टोरी सेटिंग का ये ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ से आपको ये स्टोरी का जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड स्टोरी फ्रॉम, यहाँ पे आप अगर किसी से अपनी स्टोरी हाइड करना चाहते हैं तो उन पीपल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उनके यूज़र नेम से। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जैसे मुझे किसी को यहाँ पर हाइड करना है, जैसे मैं रैंडम कोई भी अपना ही नाम ले लेता हूँ, जैसे ठीक है अपना यूज़र नेम मैं यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया मेरा पहले नंबर पे, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। इस तरीके से हम यहाँ पे जितने चाहें नाम ऐड कर सकते हैं, मतलब हम इंस्टाग्राम पे कोई भी अपनी स्टोरी दिखाएंगे तो जो जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे मैंने एक ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो इस पर्सन को हमारी स्टोरी दिखाई नहीं देगी। उसके बाद यहाँ पर क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी क्लोज फ्रेंड की लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलो मैसेज रिप्लाइज़ है कि आप अपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी है उस पर सभी को कि सभी उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीपल जिन्होंने आपको फॉलो किया है इस पर टिक करेंगे तो इससे सिर्फ वही स्टोरी पे रिप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, और अगर आप इसे ऑफ पे कर देंगे तो यहाँ से कोई भी आपकी स्टोरी के ऊपर रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तीनों समझ में आ गए होंगे आपको। उसके बाद नीचे यहाँ पर सेव का ऑप्शन है कि आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी जो भी आप डालेंगे उसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टैप कर देंगे तो या आप उस पर अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी में तो वो गैलरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी और सेव स्टोरी टू आर्चिव ये आपके आर्चिव में सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे सेव लाइव टू आर्चिव का ऑप्शन है तो ये इसे सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी आपकी लाइव। ठीक है, उसके बाद नीचे शेयरिंग का ऑप्शन है, अलो री शेयरिंग टू स्टोरीज, मतलब अदर पीपल्स आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरीज में, अगर आप इसे बंद कर देंगे तो वो आपकी स्टोरी को शेयर नहीं कर सकते, इसे ऑन कर देंगे तो वो रीशेयर कर सकते हैं स्टोरीज में। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है अलो शेयरिंग कि अदर पीपल्स आपकी फ़ोटो और वीडियोज़ को एज ए मैसेज शेयर कर सकते हैं स्टोरीज, तो इसमें एज ए स्टोरी इसमें यूज़ कर सकते हैं और एज ए मैसेज इसमें अगर आप इसे बंद कर देंगे तो यहाँ से वो किसी और को मैसेज नहीं कर सकते, आपकी स्टोरी को मैसेज में नहीं भेज सकते। ठीक है, और इसे ऑन कर देंगे तो वो आपकी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, किसी को मैसेज भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम स्टोरी को हाइड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम स्टोरी पर किसी को भी हाइड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर किसी को भी कैसे हाइड कर सकते हैं, मतलब किसी को भी आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी दिखाई नहीं देगी जिसको भी आप हाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।